हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में एक बार फिर तेज रफ्तार कहर का मामला उस वक्त सामने आया जब देर रात इंदिरापुरम थाना क्षेत्र कनावली पुस्ता रोड पर एक तेज रफ्तार कार ने तीन लोगों को रौंद डाला, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। इनमें से दो की शिनाख्त हो गई है जबकि तीसरे की शिनाख्त के प्रयास जारी है। जानकारी के मुताबिक थाना इंदिरापुरम इलाके की कनावली पुस्ता रोड पर तीन लोग पैदल जा रहे थे, इसी दौरान पीछे से आ रही तेज गति में एक इको स्पोर्ट कार ने तीनों को रौंद डाला। इस दौरान तीनों की ही मौके पर मौत हो गई, जिनमें से एक की पहचान 26 वर्षीय सोनू और 25 वर्षीय अशोक के रूप में हुई है। दोनों ही सिद्धार्थ विहार काशीराम योजना के बी ब्लॉक में रहने वाले हैं। जैसे ही ये भयानक हादसा हुआ, उसकी सूचना सड़क पर जा रहे लोगों के द्वारा आनन फानन में स्थानीय लोगों को दी गई। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों की शिनाख्त कर उनके परिजनों को सूचित किया और तीसरे युवक की पहचान करने में जुट गई। इनमें से सोनू नोएडा की एक निजी कंपनी में नौकरी करता था, जबकि अशोक नाम का युवक कनावनी में पानी के प्लांट में गाड़ी चलाता था। इस दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें से दो लोगों की पहचान हो गई है। दोनों मृतक सोनू और अशोक विजयनगर काशीराम के निवासी हैं। दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति के परिजनों का भी अभी तक पता नहीं चल पाया है कि ये कहां का निवासी है। कल दिनांक 8 तारीख को समय रात्रि लगभग 8 बजे थाना इंदिरापुरम पुलिस को एक गंभीर रोड एक्सीडेंट की सूचना मिली। सूचना मिलने पर थाना पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया तो पाया कि करावनी पुश्ता रोड पर एक गंभीर रोड एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें तीन राहगीरों की मृत्यु हो गई है। मौके पर ही गाड़ी का नंबर प्लेट भी बरामद हुआ, जिससे थाना पुलिस द्वारा गाड़ी को तत्काल बरामद कर लिया गया है और अग्रिम मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसमें मृतकों में एक सोनू पुत्र स्वर्गीय खजान सिंह है, दूसरा अशोक पुत्र चंद्रभान सिंह। ये लोग थाना विजयनगर क्षेत्र के रहने वाले हैं और इसमें एक अन्य व्यक्ति जो है उनके बीच शिनाख्त होना शेष है। इसमें अग्रिम विधि कार्यवाही प्रचलित है। उधर इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए क्षेत्र अधिकारी अंशु जैन ने बताया कि देर रात एक तेज रफ्तार इको स्पोर्ट कार ने सड़क पर चल रहे तीन लोगों को रौंद डाला, जिसमें से तीनों की मौके पर मौत हो गई। इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को मिली थी। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर कार मालिक को हिरासत में ले लिया और तीनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्होंने बताया कि इनमें से दो लोगों की पहचान हो गई है, जबकि तीसरे की शिनाख्त के प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि अभी परिजनों के द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई है, तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। टाइम 24 न्यूज के लिए सोनू खान की रिपोर्ट। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।